नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आए हैं चांदनी चौक की चटपटी गलियों में, और आज हमारे साथ हैं श्रेया जैन, और आज हम आए हैं रबड़ी फलूदा खाने। आपने रबड़ी बहुत खाई होगी, लेकिन आज हम आए हैं जैन रबड़ी वालों के यहाँ पे। पहले घंटे बजा देते हैं इनका। मैं जैन हूँ, आज हम जैन जी के यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे एन नंबर ऑफ वैरायटीज की रबड़ी है, सब एक एक तो नहीं खा सकते, लेकिन जो तो फेवरेट है वो खाएंगे और आपको बताएंगे वो कैसी है। जी, तो आपने रबड़ी बहुत खाई होगी, जैसे आपने मलाई रबड़ी खाई होगी, लेकिन इनके यहाँ पे आपको मैंगो रबड़ी, चॉकलेट रबड़ी, पपाया रबड़ी, मैं कह रहा हूँ 8-9-10 वेरायटी है जो की रबड़ी की है। बाकी ये चलिए हम भैया जी से बात करते हैं, और यहाँ की जो की रबड़ी की जो स्पेशलिटी है पूछते हैं, ऐसे क्या राज्य है जो कि लोग बाग दीवाने इनकी रबड़ी के। भाई आइए, हम अपनी रबड़ी लेते हैं और खा के यहाँ का एक्सपीरियंस अब तक पहुँचाते हैं। आइए चलिए हमारे साथ, आइए। तो दोस्तों आ गए हम जैन रबड़ी वालों के यहाँ पे। पहले तो आप रबड़ी की वैरायटी देखिए, आप देख सकते हैं ये प्लेन रबड़ी है, ये केसर रबड़ी है, चॉकलेट रबड़ी है, मतलब रबड़ी की इनके पास इतनी सारी वैरायटी है। एंड एक बार आप भैया का लुक देखिए, थोड़ी हम भैया की भी करते हैं ये बात। ये क्यों भाई, जम रहा हूँ नहीं जम रहा हूँ भाई? आप लोग भाई तुम्हारे स्मार्ट है, तुम भैया जी से बात करते हैं। हेलो भैया। हेलो भैया, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम है तुषार। तुषार जैन। तो भैया आप ये बताइए, आपकी रबड़ी में ऐसी स्पेशलिटी क्या है जो लोग बाग आपकी रबड़ी के दीवाने हैं? हमारी रबड़ी में ऐसी स्पेशलिटी है, जो भी खाता है जी वो एक बार कहता है कि एक बार और, वही एक बार और, वही अगर वो ना बोले तो हमारी रबड़ी कहने बेकार है जी। अब हमने पहले आती थी सिंपल मलाई रबड़ी हो गई, सिंपल प्लेन रबड़ी हो गई, जो आजकल जो दूध से निकाली जाती थी, दूध से आराम से हो जाता था जी। अब उसके बाद हमने कंबाइंड कर दिया, गुलाब का कहो, केसर कहो, मैंगो कहो, चंदन कहो, बच्चों की सबसे फेवरेट चॉकलेट रबड़ी कहो, बुजुर्गों की सबसे फेवरेट खोया रबड़ी, ड्राई फ्रूट रबड़ी कहो, ये सब एक साथ अब लिया है, जिससे कस्टमर को बहुत अच्छा पसंद आ रहा है, टेस्ट अच्छा लग रहा है, और उसमें अलग फ्लेवर के साथ आने का मन करता है जी। कि ये करूं, इसका ये वाली टेस्ट करूं, इसका ये टेस्ट करूं, क्या ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, ये भी खा लूं, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब उंगली के रबड़ी तो खाओगे खाओगे, उंगली से चाट के, साथ में जो इनका डोना है ना, जो बाउल है, इसे भी जीभ से जड़क हुआ है, भाई क्या मजा ही आ गया, लजीजदार। तो भैया आज हमारे लिए कौन सी लगाने वाले हैं आप? सर आपके लिए स्पेशल और सबके यहाँ फेमस ये हमारी केसर रबड़ी है, स्पेशल केसर रबड़ी, आप वो खाइए और यहाँ पर टेस्ट बताइए, आप खुद बताइए आप टेस्ट कैसा है जी। तो सर एक बार इसकी प्राइस आप बताने वाले हैं, क्या है प्राइस? हाँ, इसकी मैं प्राइस बताता हूँ जी। ये सिंपल प्लेन मलाई रबड़ी है 70 रुपीज की जी। ये स्पेशल मलाई रबड़ी है 160 रुपीज, 160 हाँ 160 जी। ये गुलाब है, शाही गुलाब रबड़ी, 160 रुपए जी, 160 जी। खोया रबड़ी ड्राई फ्रूट जी, ये 200 की जी। ये केसर रबड़ी 160 जी। ये ओरियो चॉकलेट जी रबड़ी है 170 जी। मैंगो 160 जी। चंदन केवड़ा 160 जी। इतने फ्लेवर है, इतने फ्लेवर है, आप खुद कंफ्यूज होंगे, मैं थोड़ा हो ही जाता हूँ जी। तो सर एक बार ये रबड़ी खाने के लिए आपको आना का पड़ेगा हमें? ये आपको यहाँ आना पड़ेगा चांदनी चौक, दिल्ली में चांदनी चौक है, आप सबको पता है, दिल्ली का दिल चांदनी चौक कहलाता है। और खाने के लिए भी, और चांदनी चौक में आपको आना गुरुद्वारे के सामने जैन स्नैक्स कॉर्नर, जैन रबड़ी वालों के पास जी जी जी। ये आपको हर तरह की वैरायटी रबड़ी सब यही मिलेगी जी। तो आप भी आना, इन रबड़ियों का जायका आप आगे यहाँ पे आगे उठाना, मैं कह रहा हूँ एक खाओगे सारी वैरायटी चख के जाओगे, उंगली से चाटते रह जाओगे, और दोबारा बोलोगे कि एक बार और, वही वाह एक बार और। और बाकी हमारे भाई कैसे लग रहे हैं? पन्ने लाल, प्यारे लाल। और थैंक यू, वेलकम। सुनी ये पैसेंजर प्लीज ध्यान रखे। हाँ जी, वही वाह क्या कहने। तो आप भी हमारी रबड़ी लगाइए आपको। तो गाइस आगे हम पुरानी वाली लुक पे, पहले तो आप एक बार रबड़ी पे नजर डालिए। हमने कहा था कि भैया हमारे कुछ जो यहाँ की स्पेशलिटी है, जो यहाँ की फेमस रबड़ी, आप वो लगाइए। तो भैया ने कहा ये पूरा भंडार आपके लिए है, आप टेस्ट करो और यहाँ का बताओ। तो आप हम पे तो भाई खाई नहीं जाएगी, हमारे साथ श्रेया जैन भी टेस्ट का एक्सपीरियंस आप तक बताएगी। तो पहले हम लेते हैं ये प्लेन वाली, सिर्फ पहले मैं प्लेन वाली लेता हूँ, ठीक है भाई। ये आ गई प्लेन वाली, जबरदस्त मजा आ गया मजा। ये तो है ऑथेंटिक टेस्ट। बाकी आप कौन सी टेस्ट करने वाले हैं? चॉकलेट वाली, चॉकलेट। मुझे नहीं पता था चॉकलेट के साथ रबड़ी इतनी अच्छी लगती। ये आ गई इनकी, भैया ने बताया था कि अगर बुजुर्ग आ रहे हैं यहाँ पे, बुजुर्गों के लिए खोया रबड़ी,
रबड़ी बहुत खाई, लेकिन खोया वाली रबड़ी का मजा ही कुछ अलग है। ठंडे का टाइम है, ये वाली खानी चाहिए, ये खानी चाहिए। और साथ में ड्राई फ्रूट आप देख सकते हैं, कितने सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। आप कलर देखिए भाई साहब, A1 फर्स्ट क्लास। भाई साहब आपको टेस्ट करने वाले हैं, मैंगो और इसमें मैंगो के पीसेस भी है। वाओ सुशी, हम लोग बेसिक तो खाते हैं, लेकिन कभी कभी ना लाइफ में कुछ अलग हो जाए, कुछ होना चाहिए। 2024 में आ गए यार। ये मैंगो के पीसेस है यार, यू कांट स्किप दैट। तो गाइस ये आ गई हमारी केसर वाली रबड़ी, आप देख सकते हैं कितनी ऑथेंटिक लग रही है। जैसी लग रही है ना, उसी हिसाब से टेस्ट भी होगा। भाई वाह, भाई जब लजीजदार लग रही है, आज तो मेरा दिन बन गया, फुल पैसे वसूल हो गए। और सबसे बढ़िया बात है, भैया ने हमारे सामने पूरा चिट्ठा खोल दिया, अरे लो भाई जब सब आपका माल है, लूट लो। अब मैं कहूंगी ड्राई फ्रूट वाली रबड़ी, ड्राई फ्रूट चाहिए ना, केसर वाली, सॉरी मेरे को लग रहा था कुछ है इसमें। सी इट्स अ वैरायटी ऑफ एवरीथिंग। अब पता है जब रबड़ी थोड़ी देर तक रखी जाती है ना, तो उसके ऊपर ना मोटी सी मलाई आ जाती है, वो ज्यादा टेस्टी लगती है। लवली, वेरी गुड भाई, रबड़ी का फर्स्ट क्लास टेस्ट है। अगर आपने चांदनी चौक की जैन वालों की रबड़ी नहीं खाई तो आपने कुछ नहीं खाया। बाकी हमारी कुछ श्रेया थोड़ी नोट की करेंगी। इसके नीचे ना बर्फ रखी हुई है, ठंडी ठंडी, बहुत ठंडी ठंडी लग रही है। समझ तो आ गया मजा, तुषार भाई मजा ही आ गया आपकी रबड़ी में, जबरदस्त। इतनी सारी खा के ना, सारी रबड़ियां एक से नंबर, एक नंबर थी, मजा आ गया जी। और आपको ये इतनी सारी रबड़ी खानी और इतने फ्लेवर खाने हैं, यहाँ पे आना बिल्कुल मत भूलना। और तुषार भाई का चेहरा पहचान लो मुस्कुराते हुए, और हमारे भैया तो आप आना सिगल देखते ही आपको आपकी मन पसंद फिर देखते ही बता देंगे आप कौन सी रबड़ी खाने वाले हैं। हमें तो लगी ऑथेंटिक लाजवाब बेहतरीन वाली। तो अगर आपको इस जायके का मजा लेना है तो आपको आना पड़ेगा चांदनी चौक शीशगंज गुरुद्वारे के पास ही, जैन साहब जी के पास जी। तो आप आइएगा और अपना टेस्ट हमें कमेंट में बताना कि आपको कैसे लगी। अगर आप अंकल को रोक रोक के वीडियो बनानी पड़ रही है, लोग कितने दीवाने हैं इनकी रबड़ी के, काफी लोग आ रहे हैं। And I wish आप लोग भी आओ, ठंड में ठंडी चीजें खाने में ज्यादा मजा आता है। जी जी जी, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या लाते हैं। जी जी, तो बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, नमस्कार।